Hi Jagardev, sorry for the delay in the start. Natural farming का सर आप एक बार सिर्फ मुझे बता दीजिए आपकी आवाज, मुझे अगर मेरी आवाज आप लोग को आ रही है तो एक बार से थम्स अप भेज दीजिए, आवाज आती होगी तो मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ठीक है ठीक है. सो सॉरी थोड़ी सी डिले हो गई स्टार्ट करने में. तो आज का सेशन भी जो हम इतने टाइम से लेते आ रहे हैं फार्मिंग के सेशंस, महादेव जी कंटिन्यू ले रहे हैं. महादेव जी भी ज्वाइन हो चुके हैं. सो जैसे हम बहुत ही महादेव जी बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि हम कैसे सस्टेनेबल फार्मिंग करें और सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ मूव हुए, तो आज का जो टॉपिक है, जो हमारा आज का सेशन है, इट्स अ इंट्रो टॉक. तो एक सस्टेनेबल फार्मिंग का तरीका महादेव जी आज फिर से शेयर करेंगे कि कैसे बाम्बू फार्मिंग से हम एक सस्टेनेबल इनकम कर सकते हैं थ्रू फार्मिंग, थ्रू बाम्बू कल्टीवेशन. और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं. देयर आर मल्टी बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग अ बाम्बू ट्री ऑन योर लैंड. सो महादेव जी, आप इफ अगर आप टेक ओवर करें प्लीज यहाँ से. नमस्कार. महादेव जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. या नमस्कार. वैसा ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारी चीजें कहने के लिए है, लेकिन कम समय में ही काफी सारी चीजें इस बाम्बू फार्मिंग के बारे में आपको मैं यहाँ पे शेयर करूंगा. बेसिकली जो बदल कहते हैं जिसे हमें परिवर्तन, अगर हम समय के अनुसार अगर हम में परिवर्तन नहीं होता है, अगर हम एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं तो हमारी पूरी डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है. लेकिन एक करते समय हमें नेचर का भी ध्यान रखना चाहिए, नेचर के साथ जुड़ के हमें काम करना चाहिए. तो बाम्बू के बारे में जो हमारे मन में काफी सारी जो धारणाएं हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि बाम्बू से क्या होता नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं है बाम्बू से. अगर शॉर्ट इसमें अगर आपको मैं बताना चाहूं इसके बारे में, बाम्बू के बारे में, तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अहम रोल है बाम्बू का. अभी जस्ट रिसर्च जो आए हैं 2-3 साल से, बाम्बू की स्ट्रेंथ स्टील से भी ज्यादा है. यानी जहां पे हम स्टील के बार लगाते हैं कंस्ट्रक्शन में कॉलम खड़े करने के लिए, या एयरपोर्ट्स में काफी सारी बड़ी बड़ी आर्च बनाने में हम जो आज स्टील यूज करते थे, उस सब स्टील को बाम्बू रिप्लेस कर सकता है. और बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है, करीब मोर देन 300 करोड़ का जो सेटअप वहां पे बना है, सॉरी 300 करोड़ का वो सेटअप बाम्बू से बना है. तो आप समझ सकते हैं कि कितना. और दूसरी बड़ी बात कि स्टील की एक लाइफ होती है, उससे भी ज्यादा लाइफ बाम्बू की है. उसे कुछ ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, वो ट्रीटमेंट्स का अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम अलग. तो स्टील को रिप्लेस बाम्बू कर सकता है, बाम्बू से फर्नीचर बन सकता है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अलग अलग जगह पे फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग के जो टाइल्स बनते हैं, प्लाईवुड है, फर्नीचर है, तो ऐसे मल्टीपल लोकेशंस पे बाम्बू का यूज हम कर सकते हैं.
एक हो गई कंस्ट्रक्शन की बात, यानी एन नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास है जिसके माध्यम से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम बांबू का प्लांटेशन का उपयोग कर सकते हैं, बांबू का उपयोग हम कर सकते हैं। बांबू सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट फूड भी है, जो बॉम्बे के नए शकर से निकलते हैं वो सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट फूड भी, और मेडिसिनल भी उसके काफी सारे उपयोग है, यूजेस है। तो बांबू एज ए फूड नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे लोग यूज करते हैं। बायोफ्यूल, परसों ही हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन जी गडकरी सर ने अलग अलग प्रोग्राम्स में बताते रहते हैं कि फ्यूल के बारे में हमें सेल्फ सस्टेन होना है, यानी आने वाले 4-5 साल में, उन्होंने कहा कि मेरा विजन है आने वाले 5 साल में भारत में कहीं से भी पेट्रोल डीजल हमें नहीं लाना है, पेट्रोल डीजल को हमें बायोफ्यूल में कन्वर्ट करना है, सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में हमें कन्वर्ट करना है, सीएनजी में कन्वर्ट करना है, और वो सीएनजी भी हमारे जो एग्री प्रोड्यूस है उससे सीएनजी बनेगा। यानी बायोफ्यूल, सबसे अच्छे क्वालिटी का बायोफ्यूल अगर किससे बनता हो तो बांबू प्लांट से वो बनता है। तो इतनी ये ताकत हमारे बांबू प्लांट्स में है। बांबू से हम कोजनरेशन प्लांट, शुगर फैक्ट्री हमारे प्रेस मड पे चलते हैं, जो बगैस पे चलते हैं, तो बगैस को रिप्लेस बांबू कर सकता है। तो इतनी ताकत बांबू में है, तो पावर जनरेशन का काम, बायोफ्यूल का काम बांबू दे सकता है। तो आने वाले जमाने में सबसे अगर अहम का क्या है तो पावर है, तो पावर बांबू से हमें मिल सकती है। या ओके, फैब्रिक्स, यानी काफी सारी जगह पे अभी बांबू से फैब्रिक्स बनने लगा है, बांबू से क्लॉथ्स का भी निर्माण चालू हुआ है। तो बांबू से काफी अच्छे क्वालिटी का नेचुरली, क्योंकि बांबू में इटसेल्फ काफी सारे बायो कुछ तत्व है जिससे बांबू का जो इम्पैक्ट है वो काफी चीजों का बांबू के ऊपर नहीं होता है। तो बांबू से फैब्रिक्स, बांबू से क्लॉथ, ये सब चीजें बन सकते हैं। बांबू से पेपर बन सकता है। पेपर इंडस्ट्री में आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर यूज कहाँ हो रहा है, अच्छे क्वालिटी के पेपर जिसे हम व्हाइट पेपर जो कहते हैं, स्टाम्प पेपर्स के लिए जो यूज होता है, या एग्जीक्यूटिव बॉन्ड जो पेपर हम यूज करते हैं, तो ये सभी इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री, न्यूज पेपर इंडस्ट्री में भी, ये सभी जगह पे बांबू का पल्प बन सकता है, बांबू से पेपर बन सकता है। तो न्यूज पेपर के लिए और हमारे रेगुलर यूज के लिए, नोटबुक्स के लिए, बुक्स के लिए, ये सभी चीजों के लिए बांबू से पेपर बनता है। और ये सब चीजें हमारे इकोसिस्टम को, बायोडायवर्सिटी को बिना डैमेज किए ये सब चीजें हो सकती हैं। बाकी जो चीजें है इसमें, बांबू से काफी अच्छे क्वालिटी का चारकोल बन सकता है। ये जो चारकोल बांबू से बनता है, ये हमारे घरों में और काफी सारी जगह में इसको यूज कर सकते हैं। और खेती में ये बहुत ही अलग और बड़ा टॉपिक है चारकोल का। हमारे खेती में काफी बड़ी मात्रा में अगर हम चारकोल का यूज करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि हमारे जो माइक्रोबी ये है, सारे जीवाणु है हमारे कृषि में, वो सभी जीवाणु इस चारकोल के अंदर बहुत ही सुरक्षित और सेफ महसूस करते हैं। उनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमें रिजल्ट्स मिले हैं कि चारकोल का जहां भी यूज होता है कृषि में, वहां पे रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं। या ओके, काफी सारे हमारे जो आदिवासी लोग अगर देखेंगे तो काफी सारे ऑर्नामेंट भी इससे बनते हैं बांबू से। गार्डन में भी हम प्लांटेशन के लिए बांबू का यूज कर सकते हैं। और सबसे जो अहम बात है बांबू की, सबसे ज्यादा कार्बन का जो सिंक है वो बांबू से होता है। करीब बाकी जो प्लांट्स है, जैसे हम नीम कहते हैं, पीपल कहते हैं, बाकी जो भी प्लांट्स है इस प्लैनेट्स पे, उससे 2x कार्बन का सिंक बांबू से हो सकता है। और बाकी प्लांट की तुलना में 30% मोर ऑक्सीजन रिलीज बांबू करता है। तो ये सब चीजें बांबू से होती है। और सबसे जो अहम बात है बांबू के बारे में अगर कही जाए तो ये फोटो मेडिशन का काम, फाइटोमेडिशन का काम भी बांबू करता है। यानी जहां पे सॉइल में इतना सारा कंटामिनेशन हुआ है, सॉइल इतनी सारी मेटल्स सॉइल में हमने डाले हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल पानी जाता है, जहाँ पे काफी सारा हमारे ऐश हम फैक्ट्री से रिलीज होता है, तो इससे हमारी जो सॉइल है
वो काफी सारी कंटामिनेट होती हैं। तो ऐसे सॉइल को फिर से ठीक करने का काम जो बांबू के जो रूट्स हैं वो करते हैं, यानी कि नया एक वेजिटेशन, नया वेजिटेशन का काम बांबू के माध्यम से हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पे बैरन लैंड है, जहां पे काफी सारी इंडस्ट्री ने लैंड को खराब किया है, ऐसी सभी लैंड्स पे हम बांबू का अगर सही ढंग से प्लांटेशन करें तो वो पूरी लैंड हमें दो चीजों में हमें उस बेनिफिट मिलेगा। तो कमर्शियली वो पूरी लैंड वायबल हम कर सकते हैं, दूसरा पूरी इकोसिस्टम को हम फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी पावर कोई भी प्लांट्स में नहीं है, इतनी बड़ी पावर बांबू में है। अगर बांबू के बारे में कुछ चीजें हम अगर कहेंगे तो बेसिकली मैं तो कहूंगा कि बांबू बेसिकली देखा जाए तो काफी सारे चीजों को आज के तारीख में रिप्लेस कर रहा है। तो बांबू के काफी सारे फायदे भी है अगर देखा जाए तो आज के तारीख में हम देख रहे हैं कि पर डे, यानी अगर हम देश की बात करें तो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट की जो एवरेज लैंड होल्डिंग है करीब 10 लाख एकड़ से लेके करीब 25 लाख एकड़ तक है। अगर ग्लोबली अगर हम सोचें तो एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी जितनी लैंड है उतना फॉरेस्ट पर वीक हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यानी ऐसा ही चलता रहा तो हम समझ सकते हैं कि कितने जल्दी पूरे हमारे खेत, हमारी लैंड्स पूरी की तरह जंगल रहित हो जाएंगे, वहां पे कोई पेड़ नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो सकते हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद में जो अल्ट्रावायलेट सूर्य के जो किरण आ रहे हैं उससे क्या हो सकता है। तो ये सब एक के साथ दूसरी के साथ तीसरी, काफी सारे बारिश भी कम सकती है, पानी की कमी हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि आने वाला थर्ड वर्ल्ड देशों में ये क्रॉस बॉर्डर चालू है। मेन रीजन क्या है जो क्लाइमेट्स को हम कंटिन्यू जो नेचर को जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम कंटिन्यूसली, वो रीजन है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट हर वीक बर्बाद हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट की पूरी लैंड हम पूरी ट्रीलेस कर रहे हैं, वहां पे कोई ट्री नहीं है। तो ये सब चीजें में सबसे अहम रोल अगर किसका रहेगा तो फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई पेड़ है इस धरती पे तो वह है बांबू। फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉरेस्ट बांबू से बन सकता है, तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम बांबू का प्लांटेशन, उसके काफी सारे बांबू की वैरायटीज है, कैसे लगाना, कहाँ लगाना, क्या ट्रीटमेंट कराए, अगले सेशन में पूरी हम आपको जानकारी इस माध्यम से देंगे जिससे आप बहुत ही कमर्शियली वायबल बांबू का प्लांटेशन हम कर सकते हैं। क्योंकि ये सबसे जरूरी है, क्योंकि बांबू तो लगाने के लिए काफी लोग कह रहे हैं लेकिन वो कमर्शियल अगर वायबल नहीं होता, हम अपनी जमीन में लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, तो निश्चित रूप से उसे हमें एक प्रॉफिटेबल मॉडल, बिजनेस मॉडल की तरफ देखना चाहिए। क्योंकि बांबू का जो एक मेन जो एक कैरेक्टर है, तो बांबू काटने के बाद में 3 साल के बाद बांबू हम काट सकते हैं, 3 साल के बाद में पानी की जरूरत नहीं है उसे। तो ये जो काटेंगे हम बांबू को तो उसके बाद में इमीडिएट नए शूट्स आना चालू होते हैं। तो एवरी ईयर हम 20-30% हार्वेस्टिंग बांबू का ले सकते हैं, जितने भी नंबर आप बांबू के जिस टाइम से हमारे पास में उसमें से 20-30% हम उसको कटिंग कर सकते हैं। तो हर साल हमें एक इनकम सोर्स मिलेगा इस माध्यम से। तो ये सब सबसे अच्छा फॉरेस्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉरेस्ट बांबू के माध्यम से हम कर सकते हैं। दूसरा है ये जो बांबू है, सबसे बांबू की जो खासियत है, आप देखते हैं कि जो ट्री एकदम फास्ट ग्रोथ होता है उसमें जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, लेकिन बांबू ही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी है। तो ये सस्टेन भी है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, स्ट्रांग है, तो बांबू के माध्यम से ये सब कर सकते हैं। दूसरा, बांबू काफी सारा बांबू अलग अलग जगह में यूज करने के लिए ये सेफ भी है और ये हाइजीनिक भी है। आज की तारीख में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज की तारीख में हम प्लास्टिक का इतना सारा यूज अलग अलग लोकेशन पे कर रहे हैं, तो उसकी बजाय बांबू के ब्रश बना के हम बिलियंस ऑफ टन्स जो स्टिक होते हैं हमारे पेस्ट के ब्रश के, तो ब्रश के स्टिक्स हम रिप्लेस करते हैं बांबू में कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे लोगों ने अभी बांबू के ब्रश भी बनाए हैं। तो इतना सारा कचरा इस धरती का हम कम कर सकते हैं, और साथ में जो लोग बांबू का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे किसान हो या कुछ इंडस्ट्रीज हो, सबके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। सेकंड थिंग है, हम देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी जूस हम जब पीते हैं तो काफी सारी मात्रा में हम प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज करते हैं। तो हमें सबको पता है कि प्लास्टिक से कितने सारे कंटेंट्स जो है उसमें से हमारे अंदर जा रहे हैं, और काफी सारे कैंसर का भी जो मेन रीजन है ये सब चीजें हैं। तो
इसी को भी हम बांबू की जो वेस्ट जो ये होती है डालिया होती है उसको हम यूज करके बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हाइजीनिक ये बना सकते हैं स्ट्रॉ। तो ये भी एक बांबू का अच्छा फायदा हमारे पास है। अभी जैसे मैंने कहा कि बांबू हमारे एनवायरमेंट के लिए सबसे बढ़िया है। अगर रिवर को हमें फिर से जीवित करना है, रिवाइवल ऑफ रिवर करना है हमें, तो बांबू के सिवाय दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। और शहरों में भी मैं आपसे काफी सारे लोग यहाँ से शहर से जुड़े हैं, तो अभी सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप शहर में जितने भी नाला जा रहे हैं, जहां भी पॉसिबल है, आपके सोसाइटी के कैंपस में हो या नाले के साइड में अगर कुछ जगह है, व्हेनेवर वहां पे आप बांबू के पेड़ लगाइए और उसको काटते रहिए, तो बांबू की जो रूट्स है, आपके जो कंटामिनेटेड जो वाटर आपके घरों से जो नालों में जा रहा है, नालों से जाके वो रिवर में जा रहा है, रिवर से जाके वो समुद्र में जा रहा है, तो इतनी पूरी चेन हम पूरी पोल्यूट कर रहे हैं। अगर ये पूरी चेन अगर हमें पोल्यूशन से रोकना है, तो जितने भी वाटर सोर्सेस हमारे हैं उसके साइड्स में, उसके बैंक्स में अगर हम बांबू का प्लांटेशन करते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और रिवर में जाने वाला जो पानी है वो बिल्कुल शुद्ध पानी रहेगा, जो आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले हमारे किसानों के लिए, हमारे क्रॉप के लिए वो अच्छा रहेगा। हम देखते हैं कि आज के तारीख में काफी सारे लोकेशंस पे, काफी सारे जगह पे जो क्रॉप के लिए जो पानी दिया जा रहा है, वो पानी शहरों से जो नालों से पानी जा रहा है, वो पानी क्रॉप को दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पोल्यूटेड पानी से वेजिटेबल शहरों के बाजू में, बॉम्बे में मैं जाता था कभी तो देखता था कि रेलवे ट्रैक के बाजू में काफी सारे वेजिटेबल्स, पालक है, मिर्ची है, मेथी है, काफी सारे वेजिटेबल्स ग्रो करते थे बॉम्बे के रेलवे ट्रैक के बाजू में। आप समझ सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के बाजू में जो भी पूरा गंदगी आता है वहां से, झोपड़पट्टी से पूरा, उसी के ऊपर, उस पानी के ऊपर वहां पे वो सब वेजिटेबल ग्रो करते थे। तो सब समझ सकते हैं हमें कितना बड़ा रिस्क हम ये सब ले रहे हैं। इसकी बजाय हमारे काफी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी बात चल रही है उसके लिए, तो काफी सारे जो गवर्नमेंट की लैंड है थ्रू आउट द रोड, थ्रू आउट द रेलवे लाइंस, थ्रू आउट द कैनल्स, रिवर्स, तो उसी के पूरे बैंक्स में बांबू का प्लांटेशन का भी हम प्लान कर रहे हैं। लेकिन वो एक अलग बात है, लेकिन कमर्शियली अगर हम देखें तो बांबू ये सब चीजों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है आने वाले समय में बांबू से आपको कार्बन क्रेडिट भी मिलेगा, जो एक अलग एडिशनल इनकम सोर्स आपके लिए बन सकता है। तो ये सब चीजें बांबू से हो सकती है। तो स्टार्टिंग में मैंने वो कहा कि बांबू से क्या नहीं हम कर सकते हैं, बांबू से सब कुछ हम कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा अभी कि ज्यादा उसमें आपका समय लूंगा, लेकिन एक ब्रीफ मैंने आइडिया बताया कि बांबू इज ग्रीन गोल्ड। आने वाले समय में बांबू इज ग्रीन गोल्ड, बांबू इज फ्यूल, बांबू इज पावर। तो इतना आप समझ लीजिए। तो बाकी आगे की जो प्रोसेस है बांबू के बारे में, तो हम आगे नेक्स्ट सेशन जो भी होगा तो हम कर सकते हैं। अगर कोई आपके प्रश्न है, क्वेश्चंस है, तो राहुल जी थोड़ा सा कुछ है तो हम एक 10 मिनट में डिस्कशन करेंगे, अगर जरूरत है तो। या बिल्कुल, हमारे पास 5 मिनट है अभी, ये बहुत ही शॉर्ट सेशन हमने रखा है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम 4-5 क्वेश्चन ले सकते हैं अभी। मीनवाइल मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा हम क्यों कर, हमने पिछले 5-6 महीने में स्टार्ट किया कि हम अलग अलग वर्कशॉप्स ले रहे हैं। महादेव जी ने अब तक 4-5 वर्कशॉप्स ले चुके हैं, और मैं जेन्युइनली कहना चाहूंगा महादेव जी बहुत खुशी होती है जब हम लोगों को ये सिखाते हैं, और जब लोग ये प्रैक्टिस करके मैसेज करते हैं कि ये लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने एंजाइम्स बनाना चालू किया, बहुत सारे लोगों को फायदे हो रहे हैं, तो जेन्युइनली बहुत खुशी मिल रही है कि ये सब लोग सीख रहे हैं। और पिछले 5-6 महीने में जितना भी हमने किया है तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अगर हम उनको ऐसी कुछ टेक्निक सिखा रहे हैं जो सस्टेनेबल है, यहाँ पे जो फार्मर्स भी नहीं है जो फार्मिंग करना चाहते हैं और उनको फार्मिंग में अच्छे नतीजे मिल रहे हैं क्योंकि हमारी टेक्निक से सिखाए हुए, तो उससे ज्यादा अच्छा क्या ये हो सकता है कि अगर लॉन्ग टर्म में कोई फार्मिंग कर सकता है। तो बेसिकली सबको यही कहना चाहेंगे कि हमारा गोल यही है कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल फार्मिंग आप लोग कैसे करें, उससे पैसे कैसे कमा पाए, यही हमारा गोल है। और मैं बहुत बार ये मादी जी से कह चुका कि फार्मिंग एक बहुत बड़ा स्पेस है इकोनॉमिकल वाइज भी। अब तक हमारे कितने सारे, पूरी इंडिया का आधा इकोनॉमी फार्मिंग से ही है और इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है। तो बस हम यही कंटिन्यू करते रहेंगे, न्यू कोर्सेज आपके लिए लाते रहेंगे,
सो बेसिकली ये आज का सेशन था कि हमारा बाम्बू फार्मिंग का कोर्स है 30-31 को. सो ये एक इंट्रो टॉक था उसके लिए कि बाम्बू, जैसे महादेव जी ने कहा कैसी कोल्ड है, बाम्बू हर एक चीज को रिप्लेस कर सकता है. तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खर्चा करने के बदले हम एक सस्टेनेबल रिसोर्स, एक रिन्यूएबल रिसोर्स जनरेट करें. महादेव जी कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस लेते हैं 4-5 क्वेश्चंस और फिर बाकी इन्फॉर्मेशन बाद में शेयर कर लेंगे. तो पहला क्वेश्चन है कि क्या एनवायरनमेंट चाहिए बाम्बू ग्रो करने के लिए? जहां बर्फबारी होती है वहां छोड़ के कहीं भी हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राजस्थान में भी लगा सकते हैं, केरल में भी लगा सकते हैं. राजस्थान में लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट लगा सकते हैं. बॉम्बे की अलग अलग वैरायटीज हैं, तो अलग अलग लोकेशन में हम कर सकते हैं. और कौन सा लैंड और कुछ लैंड जरूरी है उसके लिए, सिर्फ हिली एरियाज को छोड़ के? सभी टाइप के लैंड्स में बाम्बू आता है. अगर कहीं अलग अलग टाइप की लैंड्स बाम्बू के लिए सुटेबल है तो अलग अलग टाइप से जमीन में लैंड बाम्बू ग्रो कर सकते हैं. जहाँ पे काफी सारा पानी भी है, जहाँ पे पानी की कमी भी है, ऐसे सभी टाइप के जहाँ पे लैंड काफी फर्टाइल नहीं है. जैसे मैं स्टार्टिंग में ही कहा कि काफी सारा जो यहाँ पे केमिकल्स है, मेटल्स है, जिससे हमारा पानी के साथ उसका जमीन के अंदर जाके काफी सारी हमारी कंटामिनेशन हो रहा है पानी का, जमीन का, फूड का. ऐसी जगह पे भी बाम्बू लगा के हम वहां की जमीन को अच्छी फर्टाइल बना सकते हैं. तो एनीवेयर यू कैन ग्रो बाम्बू. और ये बाम्बू की सीड्स कहाँ से मिलेंगे अगर जब किसको खरीदना होगा, जब प्लांट? वो सब चीजें आपको सेशन में हम डिटेल्स में बताएंगे और उसके लिए आपको पूरी हेल्प करेंगे. अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह पे जो गवर्नमेंट्स के जो सेटअप्स हैं या कुछ प्राइवेट भी सेटअप्स है, आपकी सॉइल का जो रिपोर्ट्स देख के हम सजेस्ट करेंगे कि कौन सी वैरायटी आपको वहां लगानी है. तो रैंडमली ऐसा मत कीजिए कि कहीं से भी बीज लेके आइए और लगाइए. तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि अगर कमर्शियली हमें हमारा प्रोजेक्ट वायबल करना है तो कुछ चीजों का ध्यान हम रखेंगे. या किसी ने पूछा कि क्या प्रोसेस है बाम्बू फार्मिंग का, तो मुझे लगता है कि हम वो कोर्स में आपको बताएंगे. 30-31 को है, हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे उसकी. अमित पूछ रहे हैं कि बहुत सारे फार्मर्स डरते हैं बाम्बू फार्मिंग के लिए क्योंकि स्नेक्स का खतरा होता है, क्या ये सही है? कहां नहीं स्नेक्स होते हैं, जहां भी उनको सेफ लगता है वहां स्नेक्स होते हैं. हमारे फार्म में भी हम रेगुलर क्रॉप ले रहे हैं, वहां भी काफी स्नेक्स हैं. तो ऐसा नहीं है. दूसरी बात, जहां भी बाम्बू है वहां पे स्नेक्स है, तो साथ में वहां पे पिकॉक भी आते हैं. और आप जानते हैं सब कि पिकॉक का और सांप का क्या रिलेशंस है. तो ये सब इकोसिस्टम जो है, एक बायोडायवर्सिटी जो है, वहां पे सब कुछ जीना चाहिए. तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाती है. और महादेव जी, क्या अलग एरिया के लिए अलग टाइप ऑफ बाम्बू होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कोई और बाम्बू रहेगा? ओके, तो जो पूछ रहे हैं कि कौन से लैंड के लिए कौन सा बाम्बू अप्रोप्रिएट है, वो शायद हम आपको कोर्स में बताएंगे. डिटेल्स हम सिखाएंगे. अगर हो सका तो कोर्स के समय आपके लोकेशंस के अगर कुछ डिटेल्स शेयर कर सकते हो, वहाँ के फोटोग्राफ शेयर करते हो सकते हो तो और बेटर रहेगा. तो हमें उसी दौरान, ट्रेनिंग सेशन के दौरान हमें सजेशन देना बेटर रहेगा. या बाद में भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपको सभी चीज के बारे में अवगत कराएंगे. ऐसा नहीं कि सेशन होने के बाद में संपर्क में रहेंगे, सब चीजें आपको हम शेयर करते रहेंगे. या और माधव जी, ये बाम्बू सेल करने के लिए कुछ गवर्नमेंट के अप्रूवल्स लगते हैं या कैसे होता है ये? नहीं, कोई अप्रूवल नहीं. ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ अप्रूवल की जरूरत नहीं, वहाँ उसको हार्वेस्टिंग के लिए कुछ अप्रूवल की जरूरत नहीं, कोई नॉट नेसेसरी. क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी बाम्बू को ग्रास की वैरायटी में डाला है, तो ये ग्रास है, आप कभी भी काट सकते हो, फिर से आएगा. जी, और भी काफी लोग पूछ रहे हैं कि बाम्बू को कैसे कैटल से बचाएं या जब कैटल से बचाने की जरूरत, बाम्बू को कैटल से बचाने की जरूरत नहीं है. बाम्बू के अंदर कैटल आप आराम से छोड़ दो तो आपकी कैटल की भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, बाम्बू की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, दोनों चीजें साथ साथ चलेगी. चेतन पूछ रहे हैं कि क्या ये सोशल सॉइल इरोजन में भी हेल्प करता है अगर आप हिल स्लोप्स पे लगाएंगे तो? यस, बहुत ही अहम भूमिका इसकी सॉइल इरोजन में है, वाटर कंजर्वेशन में है. तो काफी सारे बेनिफिट्स बाम्बू के हैं, तो सब डिटेल्स में हम बताएंगे. इसलिए तो मैंने कहा इट्स अ ग्रीन गोल्ड. या और इससे एक एकड़ से कितना इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रेगुलर जो आज के तारीख में हमारा किसान जो हमारा रेगुलर क्रॉपिंग ले रहा है वहां पे, कुछ चना ले रहा है, कुछ सोयाबीन ले रहा है, कुछ ज्वार ले रहा है, गेहूं ले रहा है, तो इन सब के से थोड़ी ज्यादा इनकम बाम्बू से मिलेगी आपको, यानी उससे तो कम नहीं होगी.
और हर साल आपको हर इसकी जरूरत नहीं है, सोइंग की जरूरत नहीं है, वीड कंट्रोल की जरूरत नहीं है, लेबर की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम लेबर में कम खर्चे में ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग महादेव जी पूछ रहे हैं कि वर्कशॉप डिटेल्स शेयर कीजिए, तो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। थैंक यू, आप शेयर कीजिए। ठीक है, मैं करता हूँ, हम बहुत ही जल्दी शेयर करेंगे। और बस यही था बताना कि यही हमारा गोल है कि सस्टेनेबल फार्मिंग सिखाते रहे लोगों को, और आप करते रहे। हम चाहते हैं कि और से और ज्यादा लोग करें, और जितना हमारे बस में है कि हम ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को सिखा पा रहे हैं, तो अभी हम वो कर रहे हैं और आगे भी हम उसको और एक्सपेंड करना चाहेंगे। ठीक है महादेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा आते हैं, धन्यवाद, सभी को नमस्कार। और महादेव जी की वजह से बहुत एक अच्छा लॉयल हमारा एक कम्युनिटी बन गई है, जो फार्मिंग बहुत ही शौक से कर रही है, बहुत ही खुशी से कर रही है। तो थैंक यू महादेव जी, ये आपका नॉलेज शेयर करने के लिए सबके साथ। थैंक यू, और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स के लिए हम आपके साथ टच में रहेंगे, हम जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके उतना जल्दी डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक 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 30-31, तो अगर आपको अपना कैलेंडर ब्लॉक करना है या आपको अपनी कुछ प्लानिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। 30-31 को होगा एक घंटे के लिए, जिसके डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू महादेव जी, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड।